शुक्रवार शाम को जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट अशोक सरस्वार के निज निवास में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित इस पत्रकार वार्ता में जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार जिला पंचायत सीईओ की कार्यप्रणाली से काफी नाराज नजर आए, जिन्होंने जिला पंचायत सीईओ पर बीजेपी नेताओं के इशारों पर काम करने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाए जाने के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करने और आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही। और आज ये हो रहा है कि हमारे जिला पंचायत में सभी जो निर्देश हो रहा है बीजेपी से निर्देश होकर हमारे सीईओ साहब उसी लाइन पर चल रहे हैं। मैं इसमें दोषी हमारे सीईओ साहब को मानूंगा, क्योंकि जो भी जिला पंचायत में जो भी काम होना है वो बिना अध्यक्ष के सहमति के नहीं होना चाहिए। और जो आज इन्होंने किया है, कल रात में 11 बजे मेरे घर में कार्ड भेजा गया और उसमें सबसे नीचे नाम मेरा है और अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष की जगह कोई जिला पंचायत सदस्य कर रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोटोकॉल का दुरुपयोग किया जा रहा है और उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। देखिए, या तो आईएएस ऑफिसर वैसे दबना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतना दब के काम करेंगे ये हमने सोचे भी नहीं थे, जो कि भाजपा के निर्देशानुसार अपना कार्यकाल चला रहे हैं और आईएएस के ऊपर पूरे देश टिका हुआ है और हम आईएएस का हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन ये लोग बीजेपी के आगे पीछे दुम हलाते हुए घूमते दिखाई दे रहे हैं। आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जहां उन्होंने जिला पंचायत सीईओ को आड़े हाथों लिया, तो वहीं उन्होंने विधायक गौरीशंकर बिसेन को संबोधित करते हुए उनके हर काम में श्री बिसेन के द्वारा अड़ंगा डालने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने जिला पंचायत में आयोजित पूर्व सदस्यों व कार्यकारिणी के विदाई समारोह को लेकर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने पर भी अपनी तीखी टिप्पणी की। मेरा काम जो करने का जो शैली है अभी तक इन्हें पता नहीं है, आज से मैं एक्टिव हो रहा हूँ और जो भी मेरे काम में आड़े आएंगे तो आप लोग हैं, आप लोगों के माध्यम से हम हर काम करवाएंगे। सीईओ को हटाने के लिए आप प्रयास करेंगे अगर इसी तरीके का रवैया रहा तो? देखिए, अभी तो एक दो बार ये चीज हुई है, अगर तीसरी चौथी बार होती है तो हम लोग भी मजबूर हो जाएंगे। जो इंसान हमारे काम में आड़े जाएगा हम उनको छोड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिला पंचायत सीईओ के द्वारा बीजेपी नेताओं के इशारों पर काम किया जा रहा है, जो उनके इशारों पर काम करते हुए प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके पूर्व भी आयोजित कार्यक्रम और विभिन्न बैठकों में सीईओ के द्वारा उनकी उपेक्षा की गई। प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम डिसाइड नहीं किया गया, जिसके चलते आज जिला पंचायत में आयोजित विदाई समारोह में वह नहीं गए और उनके करीब 17 सदस्यों ने आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार किया। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार और उनके नेता फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं और उन्हीं के इशारों पर अधिकारी काम कर रहे हैं। क्योंकि आज जिला पंचायत के पूर्व जो सदस्य जो थे उनका विदाई समारोह रखा गया है और जिसमें इन्होंने जो कार्ड दिया हुआ है उसको प्रोटोकॉल के बिल्कुल विरोध में दिया हुआ है। इसके पहले भी इन लोगों के जो कार्यक्रम हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर साहब ने समीक्षा बैठक रखवाए थे भारी वर्षा को लेकर, कई जगह दूर क्षेत्र को लेकर, उसमें भी उन्होंने सिर्फ बीजेपी वालों को बुला के समीक्षा कर लिए थे और बाकी के जति दूसरे जनप्रतिनिधियों को अवॉइड किया गया था। देखिए, प्रोटोकॉल एक होता है, जिस प्रोटोकॉल में यदि अध्यक्ष का सम्मान नहीं है उस जगह पे अगर अध्यक्ष जाए तो अध्यक्ष पद की गरिमा, आज मैं हूँ कल कोई और होगा, उस गरिमा को बरकरार रखने के लिए मुझे वो सब चीज देख के ही हर काम करना है। हम करीब करीब 17 सदस्य है, उन्होंने उसका बहिष्कार किया है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इन लोग बीजेपी के नेताओं के दबिश में जो मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, अब मुझे आंदोलन करना पड़ेगा और अपने काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब चाहे आमने सामने की लड़ाई हो, मैं बिल्कुल आगे बढ़ूंगा। इस राजनीति षड्यंत्र में आप किसे मानते हैं? देखिए, मैं मुझे तो ऐसा अभी पता नहीं कौन कर रहा है षड्यंत्र। अभी मेरे नॉलेज में तो जो मेरा अधिकारी है, जो सीईओ साहब है, मैं तो उन्हीं को जानता हूँ। षड्यंत्र आज की तारीख में तो उन्हीं का समझूंगा।